नमस्कार मित्रों, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ड्स। आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं टेक्निकल वर्ड्स चैनल पे। तो फ्रेंड, कल नोकिया ने भी अपना नया स्मार्ट टीवी इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं नोकिया का स्मार्ट टीवी जो है 43 इंच वाला और रियलमी का भी 43 इंच वाला स्मार्ट टीवी के बीच में कॉम्पेरिजन वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, तो इसीलिए आप लोग ये जो वीडियो है लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देख ये दोनों का डिजाइन किसका बेटर है। तो दोस्तों, पर्सनली मैं बोलूं तो मुझे नोकिया का स्मार्ट टीवी काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए एक कारण ये है कि इसका जो बेजल्स है थोड़ा सा कम है रियलमी टीवी के मुताबिक, प्लस इसका जो लुक भी है थोड़ा सा बेटर है रियलमी टीवी के मुताबिक। तो हो सकता है आप लोग को रियलमी टीवी ज्यादा बेटर लगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं डिस्प्ले से बात कर लेता हूं। दोनों ही टीवी में आपको 43 इंच एलईडी वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन वही मैं बात करूं नोकिया टीवी में, इसमें आपको अल्ट्रा एचडी प्लस 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 4K वीडियो को सपोर्ट करता है। लेकिन वही मैं रियलमी स्मार्ट टीवी की बात करूँ तो इसमें आपको फुल एचडी वाला ही डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें भी आपको 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, नोकिया का जो स्मार्ट टीवी है उसका डिस्प्ले थोड़ा सा क्या काफ़ी बेटर है रियलमी के स्मार्ट टीवी से। तो दोस्तों, दोनों ही में आपको 3-3 HDMI पोर्ट का सपोर्ट मिलता है, दोनों में ही आपको 2 USB का पोर्ट देखने को मिलता है। वहीं मैं साउंड की बात करूँ तो दोनों ही स्मार्ट टीवी में आपको 24 वाट का साउंड देखने को मिलता है, लेकिन आपको रियलमी स्मार्ट टीवी में डॉल्बी एटम्स का साउंड देखने को मिलेगा, प्लस 4 स्पीकर का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। वहीं मैं बात करूँ नोकिया के स्मार्ट टीवी तो इसमें आपको 2 स्पीकर देखने को मिलेगा। इसका जो साउंड है वह JBL के तरफ से आने वाला साउंड यूज़ किया हुआ है, जो कि मेरे विचार से इसका साउंड रियलमी से बेटर है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला, दोनों ही स्मार्ट टीवी या दोनों ही में आप लोगों को वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं मैं प्रोसेसर की बात करूं तो रियलमी स्मार्ट टीवी में आपको मीडिया टेक के तरफ से आने वाला 6883 क्वाड कोर वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। वहीं मैं बात करूं नोकिया के स्मार्ट टीवी तो इसमें आपको CA53 क्वाड कोर वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो चलिए और हम कुछ फीचर्स जान लेते हैं। रियलमी स्मार्ट टीवी में आपको 1 GB का रैम प्लस 8 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। वहीं मैं बात करूँ नोकिया के स्मार्ट टीवी, इसमें आपको 2.25 GB का रैम देखने को मिलता है, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है, जो कि मेरे विचार से काफ़ी बेटर है रियलमी का स्मार्ट टीवी से। तो दोस्तों, और दोनों ही टीवी में आप लोग को YouTube का भी सपोर्ट मिलेगा, हॉटस्टार का भी सपोर्ट मिलेगा, Netflix का भी सपोर्ट मिलेगा, Amazon Prime का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोग काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, आप लोग का जो मन होगा टीवी खरीद सकते हैं। और दोनों ही में आप लोग को प्ले स्टोर मिलेगा, प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों में ही आप लोग को गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि मेरे विचार से काफ़ी बढ़िया बात है। तो चलिए अब हम लास्ट में जान लेते हैं दोनों स्मार्ट टीवी का प्राइस क्या है। तो मैं नोकिया स्मार्ट टीवी की बात करूँ, इसका जो प्राइस है 31,999। मैं रियलमी स्मार्ट टीवी की बात करूँ तो इसका जो प्राइस है 21,999। तो देखिए, दोनों में 10,000 का अंतर है, मतलब 1-2 हज़ार का अंतर नहीं है, सीधा सीधी 10,000 का अंतर है। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो से पता लग ही गया होगा कि जो नोकिया का स्मार्ट टीवी है थोड़ा सा कि मतलब बहुत ज़्यादा बेटर है रियलमी के स्मार्ट टीवी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि आप लोग का जो बजट है कितना बजट है। अगर आपका बजट है 27-28 या 30 हज़ार तो मैं बोलूँगा आप लोग आगे बढ़ा दें, 32 हज़ार में ये स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं। लेकिन आपका जो बजट है 20 या 22 हज़ार या 23 हज़ार तो आप लोग रियलमी का स्मार्ट टीवी ले सकते हैं। मेरे विचार से काफ़ी अच्छा है नोकिया का स्मार्ट टीवी, लेकिन इसका जो प्राइस भी है 10,000 ज़्यादा है। तो दोस्तों, बस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को भी शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।